गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मेरे 50K प्लस सब्सक्राइबर करवा दिए, मतलब 50,000 सब्सक्राइबर। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी, ऑलमोस्ट 1.5 साल लगता है लोगों को यहाँ पे पहुँचने में, और आपने मुझे 4 महीने से भी पहले पहुँचा दिया। यार बोला नहीं जा रहा कि मैं कितना खुश हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और भाई इसी खुशी में ना मैंने एक गाड़ी पसंद की अपने लिए, और 50K की खुशी में आज वो गाड़ी मैं लेने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक हफ्ते से 10 दिन से मैं देख रहा था कि गाड़ी लेनी है मुझे यहाँ पे रखने के लिए अपने पास। मेरी प्रेफरेंस थी कि ऑटोमेटिक मिले और डीजल मिले, एक थी हुंडई वरना और एक थी होंडा सिटी, इन दोनों में से मुझे गाड़ियाँ चाहिए थी कोई एक। और मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, 10-15 गाड़ियाँ देखी, उनमें से एक फाइनल की ऑयल एक्सपर्ट डीलर्स के पास आगे पीछे। फिर फाइनली एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक क्लोज फ्रेंड है कोई वो गाड़ी सेल कर रहा है, उनके पास मैंने एक गाड़ी देखी। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, आप बने रहो वीडियो में, और तब तक आप कमेंट करके बताओ कि क्या लगता है मैं कौन सी गाड़ी लेने वाला हूँ। बस वो इतना बता आपको, वो ऑटोमेटिक है और डीजल है, और बाइक बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। और थैंक यू सो मच, आपने मेरे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए। अंदर से इतनी खुशी है ना भाई, बोला नहीं जा रहा है, क्या बताऊँ। थैंक यू सो मच, बने रहो वीडियो में, बताता हूँ आपको वहीं चल के क्या सीन रहता है। कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कहते हो उसमें सस्पेंशन पे? नहीं पता ही नहीं गाड़ी का सस्पेंशन में। गाइस फाइनली गाड़ी ले ली है, गाड़ी में बैठ चुके हैं, इंजन की नॉइज आप सुन सकते हैं, आ रही है क्या आपको? है थोड़ी सी, क्योंकि अभी सर्विस मांग रही है। थोड़ा लेट हो गए थे भाई, जो थे ट्रैफिक में फंस गए थे, उसके बाद हम थोड़ा सा नेरा पड़ गया था भाई, थोड़े कैमरा शाई भी थी, इसीलिए कैमरा के सामने भी नहीं ऐड ले लेते वक्त इसको। अब हम वहाँ पहुँच के अपने फ्लैट में फिर मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी कैसी है। फिलहाल अभी आगे आप बताओ इनको नज़ारा आगे क्या है, आगे क्या देखना आप फ़ोन में देख लो, पूरा लाल है ट्रैफिक, लाल ही लाल है। ये दिल्ली है भाई, यहाँ पर ऐसा ही होता है। अब यहाँ से है तो कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर, लेकिन गूगल बता रहा है 40 मिनट। आप सोच सकते हो कितना ट्रैफिक होगा आगे। तो गाड़ी ले ली है, अब इसका जो भी सीन रहता है मैं आपको घर पहुंच के आराम से समझाता हूं। अभी ट्रैफिक में थोड़ा समझे कंसंट्रेट करने दो, ठीक है सुफियान भाई? ओके गाइस, कल बहुत देर हो गई थी इसलिए गाड़ी दिखाना आपको भूल गया था, रात को क्या गाड़ी दिखाता। तो अभी ये लगी है गाड़ी, अभी इसको अच्छे से दिखाता हूं मैं आपको। फिलहाल एक लुक देख लो आप, वहाँ पर बता नहीं पाया था, थोड़ा लेट हो चुका था। और यहाँ पे आपको मैं कुछ इसकी बातें बता देता हूँ कि अभी तो सेकंड हैंड कार है, नई तो है नहीं, बट कंडीशन ओके है, इतनी बुरी भी नहीं है। और सबसे पहली बात, इसमें एसिक्स ऑप्शनल है, टॉप मॉडल है, ऑटोमेटिक है, बट जो अलॉय व्हील्स हैं वो आफ्टर मार्केट है, हेडलाइट्स इसकी चेंज्ड हैं, थोड़ा अपग्रेड मॉडल किया हुआ है। और भाई इसमें खड़ी थी इसलिए बहुत सी चीज़ें नहीं चलती हैं, ये रिक्वेस्ट सेंसर है, ये वर्किंग है, मुझे लगा था नहीं, रात से कर नहीं रहा था, अभी कर रहा है काम। कुछ ऐसा इंटीरियर है आपको इसका, सीट कवर्स तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज करवाऊंगा, मैटिंग कुछ ऐसी ही ऑटोमेटिक है, और ड्राइवर तो साफ ही है। तो गाइस गाड़ी जो है ठीक है, कम चली है, मतलब पिछले 2 सालों में ये जो पैसे भैया कह रहे थे कि सिर्फ 3,000 किलोमीटर चली है। और इंटीरियर भी इसका साफ है, एज सच कोई काम भी नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी है ये देख सकते हैं आप। और इसमें आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल किया गया है, क्रूज़ कंट्रोल नहीं आते थे वरना मैं उस टाइम में पुश बटन स्टार्ट है। देखो भाई ऐसे एक पुश करने पर से MID स्टार्ट होती है, और ऐसे हुंडई का लोगो सामने आएगा, और 62,000 ड्रिवन है। अभी भाई इसमें क्या क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। रात को तो मैं जल्दी लेट हो रहा था इसलिए उन्हीं के मैकेनिक के पास जाना पड़ा, उसने एस्टिमेटली कोई 15-16 हज़ार का काम बोला इसमें, बट जो काम है वो ज़्यादा है। सिर्फ सर्विस ही नहीं है, सर्विस के साथ साथ इसका थोड़ा सस्पेंशन का काम भी है, स्टेयरिंग असेंबली का काम भी है, शॉकर ओके हैं, स्टेयरिंग असेंबली पता नहीं कैसे ख़राब हो गई इतनी जल्दी, खड़े खड़े भी ख़राब हो सकती है, लेकिन जो शॉकर है वो इसके अच्छे हैं। और मुझे इसकी जो पिकअप है उसमें थोड़ा सा डिले लग रहा है, बहुत लेट पिकअप है इसकी, स्टार्ट होते वक्त भी बहुत जर्क मारती है। थोड़ा AC का काम है मेरे ख्याल से, कंप्रेशर जो है ना उसका थोड़ा सा काम होगा। एक बार मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट करके कैसे रहता है इसका सिस्टम, अब सुनना। लाइट का थोड़ा इसका बहुत काम है मेरे ख्याल से, ये जो रीजंस है ना भाई ये सब उसी तरफ इंडिकेट करते हैं कि गाड़ी जो है ये बहुत कम चली है, बहुत देर अंदर खड़ी रही है तभी ये सब होता है। और मुझे लगता है कि उसका रीज़न भी यही है, क्या बोलते हैं इसको, स्टेयरिंग असेंबली ख़राब होने का रीज़न भी यही है, बाकी शॉकर ओके हैं, उनको कुछ नहीं हुआ,
सीट्स इसकी बहुत कंफर्टेबल है। सीट कवर मैं थोड़ी देर बाद चेंज करवा ही दूंगा। गाड़ी का पेंट भाई अगर किसी डीलर से लेता ना तो उसके पास ये सब चीज़ें नहीं मिलती जो गाड़ी काम करके रखा होता, या फिर कुछ डीलर अच्छे हैं जो कि मतलब रॉ गाड़ी बेचते हैं तो उनसे भी अच्छी गाड़ी मिल जाती है हमें। तो कुछ डीलर होते हैं जिन्होंने चमका के रखी होती हैं गाड़ियाँ, बट फिर भी ऑलमोस्ट हर डीलर जो होता है ना वो गाड़ी को पेंट करके देता है। ये मैंने डायरेक्ट ऑनर से लिया है इसीलिए इसको मुझे पेंट करवाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, इसीलिए जो मैंने डीलर से सस्ते रेट में ले लिए। लेकिन फिर भी इसमें मुझे खर्चा बैठेगा जो वो डीलर के आसपास ही पहुंच जाएगा, लेकिन ये है कि मैं अपनी तसल्ली से काम करवाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्ट हो गया कैसी साउंड देती। अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ, ब्रेक दबा दिए, गाड़ी पार्किंग पे, अब मैं स्टार्ट करूँगा, अब देखना कितना लंबा सेल्फ लेती है। देख से ब्रेक पूरी दबानी पड़ी थी, एक बार दोबारा लेता हूँ मैं, शायद मेरे ख्याल से मैंने ब्रेक कम दबाई थी ज़ोर से। एक बार दोबारा इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट मैं सुबह सुबह का टाइम है इसलिए ऑन करके स्टार्ट करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप देखते हैं तो ये ब्रेक का मसला था, मैं ब्रेक कम दबा रहा था, ऐसे ही डर रहा था कितना लंबा सेल्फ क्यों ले रही है, लेकिन ठीक है थोड़ा लंबा ले रही है। बट अभी सर्विस मांग रही है गाड़ी भाई, सर्विस करवाते हैं फिर देखता हूँ मैं क्या दिक्कत है। बाकी आप इंजन नॉइज सुनो, आपको चल रहा होगा पता कैसी है इंजन नॉइज है या नहीं है, बताओ आप कमेंट करके कैसा लग रहा है आपको। बाकी और मैं आपको छोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ गाड़ी में, पीछे थोड़ी सी स्पेस कम है बट आगे जो ड्राइवर है ना वो बहुत ही कंफर्टेबली बैठता है। बाकी यार इसका सब कुछ मुझे अच्छा लगा, इंटीरियर भी अच्छा लगा, इसको मैंने बहुत नेक्स्ट लेवल तैयार करना है, बस थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। फिलहाल मैं इसको पहले मैकेनिकली एकदम सेट करूँगा, और मुझे मेन फोकस था कम चली हुई गाड़ी मिले, वही मेरा मेन प्रेफरेंस थी, तभी मैंने ये उठाई है। और इसमें खर्चा है ऐसा नहीं, खर्चा नहीं है। आप भी जब देखो स्टेयरिंग असेंबली कैसे आवाज़ करके देखो, ये देखो अगर आपको आवाज़ आ रही हो ऐसे आपने चेक करना, खड़ी रोड पे पूरा स्टेयरिंग घुमाना है और ये देखो आ रही है स्टेयरिंग असेंबली जो है वो आवाज़ कर रही है, बट शॉकर में कोई आवाज़ नहीं है, बाकी आर्म ओके हैं, सिर्फ स्टेयरिंग असेंबली इसकी जो है वो दिक्कत कर रही है। अब मैं और जाऊँगा मैकेनिक को दिखाऊंगा, क्या पता आर्म का भी काम मांगी हो, क्या पता शॉकर को एक आधा लीक हो। मैं अब चलाने में तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है ऐसे सस्पेंशन में, लेकिन इसमें इसकी नॉइज़ आ रही है, क्या पता इसकी वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हो। आप भी भाई ऐसा नहीं है कि अगर गाड़ी में सस्पेंशन का काम हो तो आप गाड़ी नहीं ले सकते, आप ले सकते हो गाड़ी, लेकिन आपको उतना रेट तोड़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई डील एज 5 लाख की दे रहा है तो भाई आप सोचो इसकी स्टेयरिंग असेंबली सिर्फ 15-20 हज़ार की, तो आप भाई उतना तोड़ लो अगर आपको लगता है स्टेयरिंग असेंबली खराब है, क्योंकि आप पूरा भी नहीं तोड़ सकते, सेकंड हैंड गाड़ी का आधा तोड़ लो, 10 हज़ार तोड़ लो, बाकी शॉकर शुकर है वो भी 15-20-30 हज़ार के रख लो, 15 हज़ार वहाँ से तोड़ लो, तो ऐसे आप 20-30-40 हज़ार तोड़ सकते हो। अगर दूसरा बंदा भी जैसे मेरे को तो भैया ने बहुत ही मतलब जेन्युइन बंदे हैं, उन्होंने मुझे सीधा बोल दिया भाई आप गाड़ी देख लो गाड़ी चला लो, फिर मतलब बंदे ने यार अभी तक पूरी पेमेंट तक नहीं लिया यार, क्या पूछते हो, आप गाड़ी तसल्ली से चलाओ फिर आप बाकी बात करेंगे। अभी तक भाई भाई बहुत ही नाइस जेन्युइन बंदे हैं, वो मैंने उनको बोला था आप आओ वीडियो में, लेकिन वो बेचारे थोड़े कैमरा शाही थे आ नहीं पाए। अभी यही था इसके बारे में बताने के लिए। और अगर मैं आपको और क्या चीज़ बताऊँ, मैंने रात से क्या नोटिस की थी, बूट स्पेस इसकी बहुत तगड़ी है भाई। ये देखो भाई जो आजकल महिंद्रा की गाड़ियों में नहीं आता, 22-23 लाख की भी ले लो, लेकिन ह्युंडई में 2011-12-13 से आ रहा है, 2015 मॉडल है वरना है, लेकिन ये देखो भाई ऑटोमेटिक IRVM भाई जो आजकल किसी भी गाड़ी में मतलब बहुत रेयरली आते हैं, और ESX ऑप्शनल है इसमें तब है, और भाई सनग्लास होल्डर भी है इसमें, बढ़िया गाड़ी है भाई, बढ़िया फीचर्स है उस टाइम के हिसाब से, 2015 मॉडल वरना ESX ऑप्शनल टॉप मॉडल है ये, और क्या बोलेंगे इसको, और तो कुछ बताने के लिए है नहीं, 62K ड्रिवन है, और RPM इसका बहुत स्टेबल रहता है, गाड़ी खींचने में बहुत तगड़ी है। अभी पिकअप इसका थोड़ा स्लो है और वो फील नहीं दे रही है डीजल वाली, क्योंकि भाई अभी तक सर्विस मांग रही है गाड़ी भाई, बस मेन जो चीज़ है सर्विस मांग रही है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा सर्विस, अभी थोड़ा सा मैं अम्मी अब्बू को लेने गया था सुबह, वो भी आए हैं, उनके साथ थोड़ा बैठू शैठू उनसे बात शत करें, फिर शाम को आज नहीं तो कल मैं सर्विस इसकी कंप्लीट करवाऊंगा, उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी पोलो सीरीज भी मैंने नहीं डाली है, सोच रहा हूँ पहले उसको ख़त्म कर लूँ डाल के चैनल पर। अचानक से यार आपने इतनी जल्दी 50K सब्सक्राइबर करवा दिए, मेरे को उम्मीद नहीं थी, मैं बहुत डिले चल रहा था, बहुत आस्ता आस्ता व्लॉग्स डाल रहा था, बट अब मुझे लग रहा है कि भाई अब जैसे जैसे आप सब्सक्राइबर बढ़ाओगे वैसे वैसे मुझे आपके लिए कुछ अलग अलग कंटेंट कर लाना पड़ेगा। अभी तो ये आपकी दुआ से पहली गाड़ी है,
वरना अब ऐसी ही और बहुत सी ढेर सी गाड़ियाँ हम और लेंगे और आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे सेकंड हैंड गाड़ी में क्या देखना है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन भाई गाड़ी जो है ओके है। मैं सुबह मैंने बहुत चलाया है इसको कल से, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर चला लिया ट्रैफिक में आगे पीछे, और इसने एवरेज भी मुझे 12 की दी है। अभी फिर से मैं सर्विस करवा के देखूंगा ये एवरेज क्या देती है, अभी तो फिलहाल 10 से 12 के बीच में दी है। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को फैला दो, और भाई आपसे जो कंटेंट आएगा ना बहुत तगड़ा तगड़ा आने वाला है, गाड़ियों के रिलेटेड ऐसे लाइफस्टाइल सब मिक्स कंटेंट डालेंगे, मजे करेंगे, आपको भी बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।